सिंगर हो और ये स्टॉल चलाओगी, रोड पे खड़ी रहोगी, सबको ऐसे मतलब थोड़ा डिमोरल करने के लिए भी लोग बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाथ फैलाने से अच्छा है कि हाथ चलाओ। सही है, मानना पड़ेगा। और शुरुआत एक से ही होती है, जीरो बाद में लगते हैं। जी, तो इसीलिए मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं है, बस शुरुआत करनी चाहिए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे जामनगर की हार्ड वर्किंग लेडी से, जो कि एकदम मस्त चीज वाली फ्रेंकी बनाती है। तो आइए मिलते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? दुलारी। ओके दुलारी जी, सो आपके पास फ्रेंकी में कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। जैसे कि पनीर है, कॉर्न है, नूडल्स है, मेयोनीज है, और मेयोनीज में फ्लेवर्स है। क्या बात है भाई। टैमरिंड, गार्लिक और मिंट, और सभी होममेड है टोटली, एंड नॉट नेवर यूजिंग एसेंस, प्रिजर्वेटिव्स और कलर। तो यहाँ पे जो सब चीज है वो घर से बना के लाते हो? क्या बात है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी फ्रेंकी चलती है? सबसे जिसका टेस्ट क्रंची होता है वो लोग पनीर कॉर्न, या मतलब जो भी होते हैं जिम वाले होते हैं वो लोग डाइट के लिए पनीर प्रेफर करते हैं। जी जी। क्रीमी टेस्ट होता है वो लोग, मैं इसमें फ्लेवर से वेरिएशन है। ओके फाइन, वो ट्राई करते हैं। जैसे कि ये गार्लिक है, ये कॉर्न है, वो क्रंच में जिसको पसंद है वो कॉर्न ट्राई करते हैं। और जैसे भी ये अंकल है उनको क्रीमी पसंद है तो क्रीमी ट्राई कर रहे हैं। सही है। और यहाँ पे फ्रेंकी की प्राइस स्टार्ट कहाँ से होती है? 40 से स्टार्ट होके 130 तक। सही है। 40 वाली जो फ्रेंकी आपने बताया उसमें क्या क्या रहता है? उसमें सिर्फ वेज ही रहता है। ओके, फ्रेश वेजिटेबल रहता है? हाँ, सिर्फ वेज, और बेसिक 40 वेज तक बेसिक सब सेम ही रहता है, और टॉपिंग्स में चेंजेस रहते हैं। ओके फाइन। सो हमारे भी लगा दो एकदम मस्त दो वेज चीज फ्रेंकी, ठीक है? मतलब कि कह सकते हैं कि हेल्थी फ्रेंकी है। Yes. सही है भाई। आप चाहे एक खाओ दो खाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बिल्कुल, मेरा कस्टमर बेस वैसे बंधा हुआ ही है, लोगों को पसंद आ रहा है फ्रेंकी। ज्यादातर जो लोग है वो एक बार खाएंगे रिपीट तो आने ही वाले हैं। हाँ। सही है। और जामनगर में फ्रेंकी के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जी जी, जो भी है वो फ्रोजन और मैदा बेस होता है मोस्टली। तो अभी मेरा ये व्हीट बेस है तो ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन जामनगर। यस। सही है। और स्ट्रीट फूड में फ्रेंकी का मैंने ही लगाया, मतलब एक दो जगह पे मिलता था लेकिन मैदा बेस। और मेरा शुरू करने के बाद और 3-4 लोगों ने भी शुरू किया है। जी जी, वो तो है। फ्रेंकी का क्रेज बढ़ाया है मैंने थोड़ा। क्या बात है, मानना पड़ेगा। और दुलारी जी, ज्यादातर जो लेडीज लोग होते हैं वो हाउसवाइफ होते हैं या तो फिर जॉब करते, पर आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी फ्रेंकी बेचने का, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली हम लोग फ्रेंड सर्कल में, बेसिकली सिंगर हूँ। ओके, क्या बात है। एंटरटेनमेंट का बिजनेस जो है 2 साल से फंक्शंस वगैरह सब बंद था। जी जी, पॉइंट है। एंटरटेनमेंट लोगों के लास्ट में ही आने वाला है तो शुरू होने के चांसेस भी कम लग रहे थे। तो हम लोग सब, मेरे बेटे ने बोला कि फ्रेंकी बना दो, तो सब फ्रेंड सर्कल इकट्ठा हुए थे तो फ्रेंकी बनाई थी। तो मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो। तभी सोचा, शुरू किया, थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि मुझे बहुत सारा मतलब खाना बनाना आता है, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम जॉइंट फैमिली। तो क्या है कि फिर सोचा कि जो नहीं मिलता है वही मैं बनाऊँ। क्या बात है भाई। तो फ्रेंकी कहीं नहीं मिल रही थी जामनगर में, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, 2-3 जगह फ्रेंकी टेस्ट की, लेकिन जो टेस्ट यहाँ नहीं मिलता ना वो मैंने शुरू किया। क्या बात है, जो जामनगर में चीज नहीं मिल रही थी वही आपने इनोवेट की। हाँ, इनोवेट की, और इसीलिए मेरे कस्टमर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि क्या है कि यहाँ सारे एक जैसी चीजें मिलने से कस्टमर तो डिवाइड हो ही जाएंगे ना। जी जी जी। तो फ्रेंकी नहीं मिल रही थी, और वीट बेस और हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, सब जगह पे फ्रोजन ही मिलता है। तो मैंने ये स्टार्ट किया। और कह सकते हैं कि आपके सामने कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। अगर हाँ, किसी को व्हीट ब्रेड की फ्रेंकी खानी है तो आपके पास ही आना पड़ेगा। हाँ, नहीं, वो तो है कि कोई भी बना सकता है, लेकिन जो अपने अपने हाथ रोटी होती है, अपने हाथ का टेस्ट होता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। जी जी जी। अभी आप क्या क्या डाला जरा बता दे जाना, ठीक है? मैंने टोमेटो केचप डाला जो टोटली एकदम ही प्योर है, टोमेटो प्यूरी, आप ऐसे बाउल भर के भी पी सकते हैं, प्योर टोमेटो है विदाउट प्रिजर्वेटिव। ये भी आपने घर पे बनाया? हाँ, घर पे ही बनाया है। और ये सीजवान है, ये भी घर पे बनता है। सीजवान चटनी भी घर पे बनाई है? सब घर पे। क्या बात है, मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ है। गार्लिक ये भी घर पे, और किसी ने भी ड्राई पाउडर यूज नहीं किया है।
वैसे आप यहाँ पे कितने टाइम से फ्रेंकी बना रहे हो? मैंने लास्ट सितंबर में शुरू किया था, सितंबर 2020 में, अभी सवा साल हो गया है। आजकल के नए पे कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं बहुत खुश हूँ। और कभी कभी थक भी जाती हूँ तो कस्टमर की वजह से ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके वो लोग वेट करते हैं ना तो अच्छा लगता है। क्योंकि फंक्शंस में ज्यादातर मुझे बंद रखना पड़ता है जब भी फंक्शंस होते हैं। अभी ये डाल रहा हूँ, ये कैबेज है। ओके। यार ये ऊपर से चीज, वैसे वेज फ्रेंकी की प्राइस है 40 रुपए, चीज ऐड कराने पर कितने रुपए में पड़ती है? 60 में। सही है, मतलब कि 20 रुपए प्लस हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो फ्रेंकी है और उसकी जो साइज है वो काफी बड़ी है। और मैं टिक्की भी फ्राइड नहीं यूज करती, बॉइल्ड ही स्टफिंग यूज करती हूँ। क्या बात है भाई। सो अभी रेडी हो चुकी है? Yes. सही है। और जैसे आपने बताया हमें कि आप सिंगर हो, तो आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे? आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग? जी बिल्कुल। जिंदगी प्यारी काटी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। क्या बात है भाई, आपकी आवाज में दम तो है, बहुत पसंद आया। थैंक यू। बस करो बाकी बोल। दुलारी जी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मैं ज्यादातर खास लेडीज लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो कई लोगों का मानना था कि सिंगर हो और ये स्टॉल चलाओगी, रोड पे खड़ी रहोगी, सबको ऐसे मतलब थोड़ा डिमोरल करने के लिए भी लोग बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाथ फैलाने से अच्छा है कि हाथ चलाओ। सही है, मानना पड़ेगा। और शुरुआत एक से ही होती है, जीरो बाद में लगते हैं। जी जी जी। तो इसीलिए मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं है, बस शुरुआत करनी चाहिए। जी जी। जैसे आपने बताया कि जामनगर में सबसे पहले आपने फ्रेंकी स्टार्ट की थी। हाँ। अभी 4-5 लोग आ चुके हैं। जब भी मैंने शुरुआत की थी तो मैं यहाँ पे खड़ी रहती थी, तो ऐसे मतलब 80% लोग तो सिर्फ देखने आती थी कि फ्रेंकी होता क्या है। जामनगर की पब्लिक का मोस्ट ऑफली अवेयर भी नहीं थी कि फ्रेंकी होता क्या है। तो क्रेज जो है एक वो मैंने शुरू किया है। सही है। और मेरे बाद 4-5 लोगों ने भी स्टार्ट किया है। मतलब कि कह सकते हैं कि जामनगर के लोगों को आपने बताया कि हाँ। फ्रेंकी एग्जैक्टली होती क्या है। हाँ, बिल्कुल। सही है। और यहाँ का टाइमिंग क्या रहता है? 6:30 to 9। सही है। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुकी है दुलारी जी की व्हीट ब्रेड वाली फ्रेंकी, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। और अगर आप इसमें चीज ऐड कराते हो ये आपको पड़ेगी 60 रुपए में। आप देख सकते हो ये एक ही फ्रेंकी है, इसमें दो बड़े बड़े पीस है। अगर आप कहीं पे भी फ्रेंकी लेने के लिए जाओगे तो एक ही पीस 70 से 80 रुपए में मिलेगा, वो भी सिर्फ इतना होगा। और अभी यहाँ पे हमें मिल रहे 2 पीस, मतलब कि कह सकते हैं कि 60 रुपए में हमें जम्बो साइज फ्रेंकी मिलती है। और इसमें जो चीजें डली गई है वो तो आपने देखी है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल थे, कई डिफरेंट तरीके के सोसेस थे, वो जो सारी चीजें आपने देखी वो दुलारी जी अपने घर पे बनाती है। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो अगर आप जामनगर सिटी के रहने वाले हो तो अगर आपको भी हमें तरह फ्रेंकी खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ का एड्रेस है पटेल कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के सामने, फूड एक्स फ्रेंकी जामनगर।